बाहर से भी आया था और पढ़ाया ही आया था। हाँ, कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन छोड़ दिए वैसे, ये बता दो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ, एक भी नहीं छोड़ा। एक भी नहीं छोड़ेगा। आप लोग पकवाओगे कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल पकवाएंगे। ऐसे कैसे आपसे नहीं पकवा लेंगे। पर कैसा गया आज का? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। हाँ, सारे कर दिए? पूरे किए हैं। पूरे किए? हाँ। टोटल कितने क्वेश्चन थे? नमस्कार, मैं हूँ अश्वनी और इस वक्त हम मौजूद हैं एक विद्यालय जिसका नाम है किसान इंटरमीडिएट कॉलेज राजगढ़ मिर्जापुर, यह उत्तर प्रदेश में आता है। और आज 20 तारीख है और 20 तारीख के दिन हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास का एग्ज़ाम है, वो भी गृह विज्ञान है। तो बच्चे अभी निकलने वाले हैं, जस्ट छुट्टी होने वाला है, तो अभी देखते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। क्या नाम है आपका? पूजा पटेल। एग्ज़ाम कैसा गया वैसे, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया। सारे क्वेश्चन कर दिए? अच्छा, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पढ़ाया, जो पढ़ाया गया था वहीं से आया था या बाहर से आया था? बाहर से भी आया था और पढ़ाया ही आया था। हाँ, कितने क्वेश्चन थे पूरे? मतलब 20 वो थे विकल्प भी वाला और 10-12 क्वेश्चन थे। आ जाओ दीदी, आ जाओ। अरे आ जाओ बहन। हाँ बताओ, आप बताओ। चलो क्या, इधर आओ। अरे आओ जी, दो चार बस हाल चाल करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा, देखो आप कितने अच्छे और जा रहे हो। कैसे पेपर आए थे? अच्छा आया था? अच्छा था पेपर। कितना मार्क्स आ जाएगा वैसे? गृह विज्ञान में जो पूछा गया था वो पढ़ाया गया था वहीं से पूछा गया था या बाहर से पूछा गया था? बाहर से और पढ़ाया जो गया थोड़ी सा। अच्छा, बाहर से कितने क्वेश्चन आ गए थे जो समझ में नहीं आ रहे थे आपको? और समझ में नहीं आता, और समझ में सब जो पढ़ाया था सर वो समझ में आ रहा था, और जो नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कैसा गया? बढ़िया गया। बढ़िया, रुको तो, रुको 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 रुको। अरे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सच में पेपर नहीं है हमारे पास। क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी, कैसा रहा पेपर आज का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। हाँ, तो OMR में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 20-20 यानी कि, और हाँ, सारे कर दिए? पूरे किए हैं। पूरे किए? हाँ। टोटल कितने क्वेश्चन थे? पूरे 34। टोटल कितने थे? 34 क्वेश्चन। सारे कर दिए आप भी? हाँ। पढ़ाया गया था वहीं से आ रहे थे सवाल? हाँ। अच्छा, गृह विज्ञान में कितने मार्क्स आ जाएंगे वैसे? मार्क्स कितने मार्क्स थे नहीं पता है, भूल गए। शर्मा रहे हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 70 मतलब पूर्णांक 70 था? हाँ, पूर्णांक 70। 70 में कितना आ जाएगा लगभग? आ जाएगा 50 तक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। नेहा, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। गृह विज्ञान जो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि गृह विज्ञान में खाना बनाना पकाना यही सब आता है, क्या आता है? आता ही है, स्वास्थ्य के लिए और बाहरी थोड़ी सब आया था और क्या। हाँ, पर्यावरण से भी रिलेटेड था। हाँ, पर्यावरण से प्रदूषण। हाँ, जो लोग ये सोचते हैं ना कि लड़कियाँ गृह विज्ञान लिए तो खाना पकाना मतलब खाना बनाएंगी पकाएंगी यही सब काम करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पकवाएंगी हस्बैंड से। हाँ, सच में बोल रहे हैं, हर काम में माहिर है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियां सिर्फ खाना पकाने के लिए ही गृह विज्ञान लिए है, गलत सोचो उन लोगों की। लड़के भी पका सकते हैं? पका सकते हैं, बिल्कुल पकाते हैं, बाहर जाते तो पकाते ही हैं, कहीं जाते तो पकाना ही पड़ेगा। आप लोग पकवाओगे कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल पकवाएंगे, आपसे भी पकवा लेंगे। क्या नाम है? सुनैना। आप दोनों फ्रेंड हो ना? हाँ, यस। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पेपर कैसा था? पेपर बहुत ही बढ़िया गया। बहुत बढ़िया जी। कितने क्वेश्चन थे वैसे? 34। अच्छा, OMR जैसे पिछली बार हिंदी में OMR का था, तो क्या इसमें भी OMR सीट मिला था? जी सर। कितने क्वेश्चन थे फिल करना OMR के लिए? 20 थे। सारे कर दिए? जी सर। पूरा बिल्कुल सही सही? हाँ, सही सही। हाँ, कितने मार्क्स का था, 100 या 50? नहीं, 70। 70 का था। और कितने क्वेश्चन छोड़ दिए वैसे, ये बता दो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ, एक भी नहीं छोड़ा। एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, हो क्या बात है, कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छा, ये बताओ पेपर कैसा गया आज गृह विज्ञान का? हाँ, एकदम बढ़िया। सारे करके आए हो? हाँ, सारे। कितने क्वेश्चन छोड़े वैसे? एक भी नहीं। एक भी नहीं छोड़ा? तो जो पढ़ाया गया था वहीं से क्वेश्चन आए थे या बाहर से आए थे? नहीं, वही था। वही था। कुछ बच्चे बोल रहे थे बाहर से आए थे? नहीं, मतलब 2-4 क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहा था, फिर भी सर बोले कि अपने से लिख दो, तो वही मतलब जितना भी आपको जो समझ में आता है वो करते हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। क्या नाम है? दीपा। हम क्वेश्चन तो पूछने नहीं है हमें, देखो पेपर हमारे हाथ में भी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेपर कैसा गया आज का? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, और आपका? हमारा भी। हाई स्कूल में अच्छा, कितना मार्क्स लाओगे? अब पता नहीं, अब कितना लाएंगे, अब जो हाँ, काफी चेक होगा। रेगुलर क्लास लेते हो कि नहीं? हाँ, रेगुलर क्लास लेते थे हाई स्कूल में। हाँ हाँ, और पेपर अभी दे रहे हो तो अच्छा लग रहा है? हाँ। जो पढ़ाया गया था वही से आए थे सवाल?
और आया था और नहीं आया था। और बाहर से आए थे? हाँ, बाहर से। जो बाहर से आए थे उसको कैसे सॉल्व किया फिर? बस ऐसे ही बना के सॉल्व कर दिया। जो मतलब सही लगा वो कर दिया? हाँ, वही। सारे बिल्कुल सही है मतलब? हाँ सही है। बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले। चलो ठीक है, जाओ। गृह विज्ञान में किस तरह के सवाल वैसे पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? जल प्रदूषण और इसी प्रदूषण के बारे में सब आया था। सारे अच्छा आंसर सब सबने सही किया। सर किए थे, 40 मिनट तक बैठे भी थे। मतलब करके खाली 40 मिनट तक बैठे थे। बहुत अच्छा पेपर आपका था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका अच्छा बना। मेरा परसेंटेज 85 आ जाता तो बहुत अच्छा था। क्या लगता है कितना आ जाएगा? हमें लगता है 85 आ सकता है। 85 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा लगभग? टोटल अभी तो हम कंफर्ट में बता नहीं सकते, बिल्कुल भी। अभी और भी पेपर बाकी हैं। लेकिन रेगुलर क्लास लेने वाले लगते हो आप लोग? हम लोग लेते हैं हमेशा। हमेशा ना? हाँ लेते हैं। तो डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। आप आए थे ना तो पूछे थे हम लोग से पेपर के समय। हम थे अंशिका, अंशु, सभी थे। और उस टाइम पे भी आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था, बहुत अच्छा आंसर किया था। और यकीनन आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और डेफिनेटली आप लोग मुझे बुलाओगे भी मिठाई खाने के लिए। तो दम बढ़िया। क्या नाम है वैसे आपका? अंशु। कंचना। नेहा। चांदनी। शिवानी। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक